अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन स्टार्ट हो चुका है और अपनी चांद रात व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने किस तरीके से ये ईद के लिए कॉर्नर डेकोर किया था। और अभी क्योंकि यहाँ पे नमाज का टाइम हो गया है और हस्बैंड गए हुए हैं नमाज पढ़ने, मैं नहीं जा सकी, इसलिए मैं घर में रह के यहाँ पर स्वीट बना रही हूँ। मैंने ईद पे बनाई थी लबे शीरी और इसकी फुल रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी। एक अलग व्लॉग में आपको विद डिटेल्स बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनाई थी मैंने और ये बहुत अच्छी बहुत यम्मी बनती है। सेवइयों से थोड़ी डिफरेंट होती है और इसमें भी काफ़ी रेसिपीज़ होती हैं, आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। हादी, ईद मुबारक। बाय। ईद की नमाज के बाद मेरी सिस्टर की फैमिली आ गए और ये अभी जो मैं आपको सारा रश दिखा रही हूँ ये नाश्ते की जगह पे था और हस्बैंड जहाँ नाश्ता लेने गए थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन बहुत अच्छा नाश्ता था। आज हमने चने पाए हलवा पूरी हर चीज़ ही मंगवा ली थी क्योंकि ईद थी तो कुछ स्पेशल करने का दिल भी था और बहुत अच्छा नाश्ता मिल गया था। तो हमने सिस्टर की फैमिली के साथ ये छोटी सी गैदरिंग करके अपनी ईद का नाश्ता सेलिब्रेट किया। नाश्ता करने के बाद अब टाइम है ईदी देने का और अभी मैं सिस्टर को दे रही हूँ उसकी ईदी और ये साथ ही उसके बच्चों की ईदी। और मैंने किस तरीके से ये गिफ्ट रैप्स किए और इनमें क्या क्या पैक था वो भी मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर शो करूँगी कि मैंने किस तरीके से ये गिफ्ट पैक्स किए थे। सिस्टर की फैमिली के जाने के बाद हम लोग सो गए थे, जो कि यूजुअली हर घर में ऐसा ही होता है। ईद वाले दिन नमाज तक सब जागते हैं और उसके बाद सब सो जाते हैं और शाम में रेडी होते हैं। तो अभी शाम के टाइम मैं भी रेडी हो गई थी क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर और मैं बहुत सिंपल सा ब्लैक ड्रेस पहना था, ऊपर ये प्रिंटेड दुपट्टा और ये साथ चूड़ियाँ और मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया था। ईद वाले दिन हमने बहुत ज़्यादा मिस किया अपनी मदर को और अपने एक भाई को जो कि हमारे साथ यहाँ सऊदीया में नहीं होता, लेकिन हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास तीन फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जिनके साथ हम ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं भाई की तरफ और आपको दिखाती हूँ कि वहाँ जाके हमने ईद की क्या सेलिब्रेशंस की।
छोटी ईद की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट होती है ईदी, और ईदी जब आपको पैसों की शक्ल में मिलती है तो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हम लोग एक दूसरे को ईद पे देते हैं ईद गिफ्ट्स, और अभी जो है सिस्टर अपना गिफ्ट बॉक्स ओपन कर रही है और इसमें है जी ये ऑल्डो का हैंडबैग और साथ इसमें है बच्चों के टॉयज। वैसे तो ईद पे ज़्यादा मज़ा पैसों का ही आता है क्योंकि असल ईदी तो वही होती है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि गिफ्ट ज़्यादा बेहतर रहते हैं, तो इसलिए ये सिस्टर का गिफ्ट बॉक्स था। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ईदी गिफ्ट बॉक्स में क्या क्या था। भाभी ने स्वीट्स में बनाए थे तिरामिसू, ये एक इटालियन डिज़र्ट है जो कि बहुत यमी होता है। मैंने ये होममेड कभी भी ट्राई नहीं किया, लेकिन बेकरीज पे या कॉफ़ी शॉप्स पे ये मेरा फेवरेट होता है। और मैंने जो लबीशीरी बनाई थी वो मैं घर ही भूल के आ गई, बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे से। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यही खाएंगे, और आज ईद वाले दिन हमने डिसाइड किया था कि हम लोग सारी फैमिलीज बाहर जाके कहीं डिनर कर लेंगे, क्योंकि पूरा रमज़ान हम घर में कुकिंग करते आए थे तो आज बिल्कुल भी दिल नहीं था कि घर का कुछ बना के खाएँ, तो इसलिए आज हम जाएँगे बाहर डिनर करने। अगर तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि बारबेक्यू टुनाइट मेरा मोस्ट फेवरेट है यहाँ पे देसी फूड में, और इसीलिए ईद पे भी हम सब ने मिलके यही डिसाइड किया कि हम बारबेक्यू टुनाइट चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या वजह थी, ईद में यहाँ पे चीज़ों का वो फ्लेवर नहीं था, और जो वैरायटी इन्होंने ईद के इस प्लेटर में रखी थी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वैसे तो इनके जो सहरी प्लेटर्स थे और इनके जो इफ्तार प्लेटर्स थे वो हमें बहुत पसंद आए थे, बहुत फ्रेश होते थे, लेकिन ईद वाले दिन क्वालिटी और क्वांटिटी काफ़ी कम लगी हमें। सो इस तरह हमने अपनी ईद सेलिब्रेट की। आई होप कि आपने मेरी ईद व्लॉग को इन्जॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।